राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। विषय, भारतीय समाज की समरसता एवं भाईचारा खत्म करने वाले संगठन श्री राजपूत कर्णी सेना पर प्रतिबंध लगाने बाबत। मान्यवर, उपयुक्त विषय में हम गुर्जर समाज के लोगों का निवेदन है कि प्राचीन काल से ही भारत में सभी जातियां मिलजुल कर रहती आ रही हैं। हिंदू धर्म एक पुष्प है और जातियां उस पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ हैं। हर जाति का अपना अस्तित्व है, स्वाभिमान है, गरिमा है और महापुरुष है। गुर्जर समाज एक राष्ट्रभक्त समाज है। गुर्जर सदा से ही देश और धर्म के लिए लड़ते, मरते और मिटते रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी गुर्जरों ने सर्वाधिक बलिदान किया है। देश की सेना में भी गुर्जर अपने प्राण हथेली पर रखकर सेवा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के देशभक्त गुर्जर आज भी देश की ढाल बनकर पाकिस्तान के मकसद पर पानी फेर रहे हैं। ऐसी देशभक्त जाति के इतिहास के साथ मजाक किया जा रहा है। समूचे विश्व को पता है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जाति के थे। सरकारी इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे। इतिहास के साथ ही शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों, विजय स्तंभों, शास्त्रों और काव्यों में स्पष्ट गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है। गुर्जर प्रतिहारों के समकालीन राजाओं ने और विदेशी आक्रांताओं ने भी प्रतिहारों को गुर्जर लिखा है। जनश्रुति भी यही कहती है। लेकिन इन सब के बावजूद श्री राजपूत कर्णी सेना के पदाधिकारी हमारे इतिहास में दखल दे रहे हैं। उनका कहना है कि क्षत्रिय केवल राजपूत हैं। वो भूल गए हैं कि क्षत्रिय एक जाति नहीं बल्कि वर्ण है और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत में वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होता था। क्षत्रिय का मतलब होता है जो देश, धर्म और जनता की रक्षा और सुरक्षा करे। प्राचीन काल में गुर्जर, जाट, अहीर, मराठा आदि जातियां क्षत्रिय कहलाती थी और वर्तमान काल में देश की सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल क्षत्रिय कहलाते हैं। लेकिन कर्णी सेना द्वारा केवल राजपूतों को क्षत्रिय मानने से दूसरी जातियों को जैसे गुर्जर, मराठा, जाट, अहीर, पाटीदार, हाथी आदि के साथ देश की सेना और पुलिस की भावनाएँ आहत हुई हैं। विगत दिवस दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण में कर्णी सेना ने विरोध किया और मुरैना में हमारे आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी, गायत्री माता, पटियावाले बाबा और सम्राट मिहिर भोज के चित्र लगे पोस्टर फाड़ दिए, जिससे हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है। छतरपुर में कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने यादव समाज को सरेआम गालियाँ दी हैं। वीर तेजाजी महाराज जाट समाज में जन्मे थे, जिन्हें राजपूत समाज का बताया जा रहा है। कर्णी सेना द्वारा कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के नाम की फर्जी पेपर कटिंग बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई है। इन सब कृत्यों को देखते हुए हम यह मांग करते हैं कि जो संगठन समाज का ताना बाना नष्ट करने का काम करता है, अराजकता फैलाता है और दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत करता है, ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है। अतः श्री राजपूत कर्णी सेना को प्रतिबंधित किया जाए और जिन असामाजिक तत्वों ने हमारे देवी देवताओं के चित्र फाड़ने की गुस्ताखी की है उन्हें अति शीघ्र गिरफ्तार किया जाकर कड़ी सजा दी जाए और हमारे समाज के लोगों को बिना कारण जहां जहां गिरफ्तार किए हैं, चाहे ग्वालियर हो, दादरी हो, सभी को अति शीघ्र रिहा किया जाए और गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए, अन्यथा हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। देखना था। उधर से फोटो खींच लिया, उधर मुंह।